नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। अब टाइम मैगजीन ने बताया नरेंद्र मोदी को ताकतवर नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली नेताओं में शुमार करने के बाद अब टाइम पत्रिका ने कहा है कि भारत की कमान ऐसे ताकतवर नेता के हाथ में है जो इतिहास पर अपनी छाप छोड़ने के लिए बेताब है। पत्रिका के मुताबिक टाइम की सूची से जो सबक सीखे जा सकते हैं उनमें से एक सबक यह है कि एशिया में कई वर्षों तक कम गतिशील नेताओं के शासन के बाद अब मजबूत नेताओं की एक पूरी पीढ़ी है। मोदी अपने पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह के पूरे एक दशक के उदासीन शासन के बाद आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं। नसरत आलम की गिरफ्तारी के विरोध में कश्मीर बंद। कश्मीर में कट्टरपंथी और पाकिस्तान परस्त अलगाववादी नेता नसरत आलम को यहां आयोजित एक रैली के दौरान पाकिस्तानी ध्वज लहराने और पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने के सिलसिले में शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद नसरत को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। गिरफ्तारी के विरोध में शनिवार को कश्मीर बंद का ऐलान किया गया। बड़गांव के नारवल गांव में शनिवार सुबह प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की। जिले में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मोदी को सुनना है तो देने होंगे 500 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यशाला को संबोधित करने जा रहे हैं। इसमें वे देश के भाजपा सांसदों को संबोधित करेंगे। इस कार्यशाला में शामिल होने वाले सभी सांसदों को रजिस्ट्रेशन के रूप में 500 रुपए देने होंगे। कार्यशाला में मोदी सांसदों को केंद्रीय योजनाओं को आगे बढ़ाने व इनका लाभ गरीबों को पहुंचाने के तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे। इस कार्यशाला को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी संबोधित करेंगे। देशद्रोहियों को बख्शा नहीं जाएगा, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी तत्व को बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वह कोई भी हो। कानपुर देहात जिले के माती में एक रैली के बाद सिंह ने कहा कि नसरत आलम हो या कोई और, मैं देशवासियों को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत की अखंडता और एकता को खंडित करने का प्रयास करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को आपसे निकालने की तैयारी। आम आदमी पार्टी ने अपने असंतुष्ट नेताओं प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कारण बताओ नोटिस भेजकर पार्टी से उनके निष्कासन की दिशा में अंतिम कदम उठाया है। वहीं यादव ने इस कदम पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। आपके प्रवक्ता दीपक वाजपेयी ने कहा कि यादव, भूषण, आनंद कुमार और अजीत झा को अलग अलग नोटिस भेजकर उनके खिलाफ आरोपों की फेहरिस्त सप्रमाण भेजी गई है और उनसे 2 दिन में जवाब देने को कहा गया है। हमने उन्हें मेल किया है और हाथ से भी प्रति सौंपी है। हालांकि असंतुष्ट नेताओं ने दावा किया कि उन्हें अभी तक नोटिस नहीं मिला है। यमन में हिंसा, 76 लोगों की मौत। यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व में हो रहे हवाई हमलों और सरकार समर्थक सुरक्षा बलों के साथ विद्रोहियों की झड़प में कम से कम 76 लोगों के मारे जाने की खबर है। हवाई हमले में कम से कम 20 विद्रोही मारे गए और 2 टैंक और 4 बख्तरबंद वाहन तबाह हो गए। ये हमले एक काफिले पर किए गए। इस बीच सैन्य सूत्रों ने बताया कि बंदरगाह शहर अदन में हुई झड़प में 40 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 32 विद्रोही थे। उधर ताइज में हुई झड़प में कम से कम 16 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।